आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी जबरदस्त मजेदार जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज लेकर। रेसिपीज के बारे में तो बातें होती रहेंगी, बट आज जो असल में रेसिपी है ना, वो मैं बड़े दिन हो गए थे मुझे कुकिंग करते हुए पाकिस्तानी और अपने पैलेट और अपना टेस्ट जो है हमारा। आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो मेरा अपना एक्चुअल काम है, जो मैं जो मैं पैशन रखता हूँ और जिस कुजीन के ऊपर मेडिटेरियन, ठीक है कि लाइक मैं प्रेजेंटेशन और ये सारी चीज़ें, तो आज वो काम हम करेंगे। बट उससे पहले हमारे साथ हमारी हर दिल अजीज़, हमारी मेरी उस्ताद मोहतरम मैं कहूँगा या मोहतरमा कहूँगा, नशरुद्दीन राहिल हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आपा से मैं क्या सीखने वाला हूँ मुझे नहीं मालूम, बट मैं ज़रूर पूछूंगा कि आपा हमें क्या सिखाएंगे। और आप में से अगर कोई भी कुछ भी आपा से पूछना चाहता है, किसी भी डिजीज से रिलेटेड आप कोई भी रेमेडी पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है, कॉल कर सकते हैं, कॉल करके आप आपा से बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर हमें ज्वाइन करेंगे। हमारा पेज जो है, पेजेस के जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही चैनल है हमारा यूट्यूब के ऊपर। आज की क्या रेमेडीज है, मेरे ख्याल से घर के मसाले और स्पाइसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, तो शायद कलौंजी के बारे में मुझे पता है कि कुरान में भी है कि सिवाय मौत के इसमें हर बीमारी का शिफा है। क्या बात है। तो इसके अलावा बाकी इलायची है, दारचीनी का थोड़ा बहुत मुझे पता है, और लौंग का मुझे थोड़ा बहुत कुछ पता है, और सौंफ का खानों में तो इस्तेमाल हो ही रहा होता है। अच्छा, मैं आपा एक बात कर रहा था ऐसे ही कि कुछ दिन पहले और चीज़ें, कि एक जो शेफ होता है ना, वो एक डॉक्टर भी होता है। बस ठीक है ना, उस क्योंकि उसके पास जब डायबिटिक पेशेंट आता है, तो उसको पता है कि इसको शुगर से जो है ना क्या क्या चीज़ें हैं, फ्रूट कौन से मना है, सब्ज़ी कौन से मना होगी, मीठे में किस तरह से इसको खाना देना है, अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट आया तो उसको क्या क्या देना है, ठीक है, अगर ग्लूटेन आया है तो उसको ग्लूटेन फ्री क्या क्या चीज़ें देनी है। तो इसी तरह से जो है ना, सारे अगर चीज़ों को देखा जाए तो एक डॉक्टरी शेफ के अंदर भी होती है, फूड साइंस पूरी जो एक शेफ को पता होता है। हाँ, ये है, क्या बात है। तो आप आज क्या रेमेडीज है? अच्छा, मौसम चेंज हो रहा है, और जैसे मौसम चेंज होता है, बहुत सारी छोटी मोटी बीमारियां सब कुछ चलता रहता है, लेकिन खाने बड़े मज़े के आ जाते हैं। नहीं, जैसे अब जैसे सर्दी आएगी, मज़े के हलवे, मज़े के जैसे बड़े हैवी और खाने और मुरगन ग़ज़ाएँ शुरू हो जाती हैं, और वेट का सर्दी में कि वेट बढ़ने लगता है, वेट बढ़ने लगता है, क्योंकि बिकॉज दिन छोटे हो जाते हैं, रातें बड़ी हो जाती हैं, लोग मेटाबॉलिक रेट थोड़ा स्लो हो जाता है, बंदा आदमी भी स्लो हो, मतलब थोड़े सुस्त हो जाते हैं, सर्दी की वजह से बाहर नहीं निकलते, एक्सरसाइज कम हो रही होती है, और सबसे बढ़ के खाने इतने मुरगन हलवा ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती है, ड्राई फ्रूट बहुत इस्तेमाल करते हैं लोग। तो आज हम बात करेंगे वेट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, वेट के लिए वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ें बता चुके हैं, और ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है कि हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं करती, लेकिन फिर भी ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ऐसी कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि बहुत आसान है, आप एक दफ़ा बना के रख लें, ये अभी जैसे अब चल रहा है अक्टूबर, अभी आपने बना के रख लिया, पूरा आपका विंटर सीज़न चलेगा ये, और ये इंशाल्लाह वेट नहीं बढ़ने देगा। अच्छा, बल्कि बढ़े हुए वेट को कम करने में बहुत। अच्छा, मैं तो ये कहूँगा कि विंटर सीज़न आ रहा है और गर्मी भी कम लगती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वर्कआउट को दें, ठीक है, और आपके पास ये सर्दी जो है ना, ये गोल्डन टाइम होता है वर्कआउट का, बिल्कुल, ठीक है, चाहे वो रनिंग हो या जिमिंग हो या एक्सरसाइज हो या एक्सरसाइज़ कुछ भी हो, तो आप उसको जितना ज़्यादा टाइम देंगे ना, उतना आपके लिए वो फ़ायदेमंद है, और साथ में ये रेमेडी आप अप्लाई करें तो क्या ही बात है कि आपका वेट जो है ना वो ऐसे। दूसरा है कि पानी का इस्तेमाल, सर्दी में प्यास कम लगती है, पानी का इस्तेमाल कम कर देते हैं, तो इसका आपने ख्याल रखना है कि पानी का इस्तेमाल नहीं करना। तो अच्छा, सबसे पहले हम एक छोटी सी चीज़ बनाएंगे, सौंफ हर घर में मौजूद होती है, बिल्कुल ऐसे ही, ज़ीरा हमारे घर में मौजूद होता है, बिल्कुल, हम सौंफ ज़ीरा, जैसे तकरीबन आपने दो चमचे सौंफ ली है, दो चमचे सफ़ेद ज़ीरा लिया है, ठीक है, उसमें आप कलौंजी जो है ये तकरीबन डालेंगे 1/4 टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालेगी, दो चमचे सौंफ, दो चमचे जो सफ़ेद ज़ीरा, उसमें कलौंजी सिर्फ 1/4 टीस्पून, चौथाई चाय का चमचा, एक भरा हुआ चुटकी बस। अच्छा, ये तीनों चीज़ें मिला के इसको आपने करना क्या है, आपने लेमन जूस से डिप कर देना इसको, सही है, और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, इसको आपने लेमन जूस में डिप कर दिया, मतलब इतना आप डालेंगे कि लेमन जूस के अंदर तमाम चीज़ें भीग जाएं,
और उसको अच्छी तरह से मतलब कोई भी ठंडी जगह पे रख दें, जैसे अपने किचन में रख दें, कमरे में रख दें, और अगर कोई बड़ा फैला हुआ बर्तन है तो उस डिश में डाल दें जो अपनी गहरी डिश होती है। उसके बाद क्या करना है आपने, दो तीन दिन के अंदर ये ड्राई हो जाएगा और उसके बाद अगर ड्राई होगा तो आप थोड़ा सा और लेमन जूस डाल देंगे। सही है। फिर ड्राई होगा फिर आप थोड़ा सा और लेमन जूस डाल देंगे। ओके। ये तीन दफ़ा आपने करना है, मतलब ये तीन दिन में आपने, तीन दिन का नहीं होगा तकरीबन एक हफ्ता, एक हफ्ता ले जाएगा, तीन थ्री डेज मल्टीप्लाई बाय थ्री टाइम, ऐसे तो मतलब हफ्ते से नौ दिन हो जाएगा। बिल्कुल, आपने जैसे जैसे ड्राई होगा, किसी का जल्दी होता है, वेदर के मॉइस्चर खुश्क हो जाता है, वो रूम के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अच्छा, दूसरी चीज़ को पकाना नहीं है, इसको धूप में नहीं रखना, छांव में ठंडी जगह, साफ ठंडी जगह पे रखना है। दूसरी बात ये, इसमें स्पून हिलाते रहेंगे, जैसे कि गीला है ये नहीं कि नीचे का बिल्कुल खराब हो जाए, आपने इसको उलट पलट करते रहना है, चलते फिरते आपने इसको स्पून दिन में एक से दो बार बस इतना करना है। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, खुश्क हो गया, तो अच्छी तरह से आपने खुश्क करने के बाद इसको किसी जार में भर के रख लेंगे। अच्छा, बस क्या बात है, मतलब इसको जार में डाल दिया और फिर उसके बाद इसके यूजेज है। यस, क्या बात है, आप एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जलाल भाई आप? ठीक ठाक। मेरी बहन कौन है हमारे साथ, कहाँ से और क्या कहना चाहती है? मैं बुशरा बात कर रही हूँ, हासिलपुर से। हासिलपुर से बुशरा, बुशरा कहाँ गायब है आप, पहले ये बताएं। आप भूल गए हमें, आप हमको नहीं भूलते आपको। हम कहाँ भूले, आपकी कॉल ही नहीं आई, ये शो आपका, ये भाई आपका, आपा आपकी, और आप गायब है बिल्कुल। जी, मैं कजन की वेडिंग में बिजी थी थोड़ा सा। अच्छा, चले माशाल्लाह से सब ठीक ठाक है, खैर खैरियत से? जी जी सब ठीक, शो आपका बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। क्या फरमाइश करेंगे और क्या बात करेंगे आपसे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो आप बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, हमेशा की तरह। सिर्फ आपा प्यारी लग रही है या मैं भी प्यारा लग रहा हूँ? आप तो हमेशा लगते हैं। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। पहले जलाल की तारीफ के बगैर कोई गुजर नहीं सकता यहाँ वहाँ से। जी अच्छा, मुझे पूछना था अपनी सिस्टर के बारे में, उनके बालों में डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाता है, सर्दियों में मौसम भी चेंज हो रहा है कुछ। बिल्कुल, तो उसके हवाले से बता दें, शैम्पू भी काफी चेंज किए हैं उन्होंने। ठीक है, सिर्फ डैंड्रफ का इशू है? हाँ जी। ठीक है, मैं बता देती हूँ अभी इंशाल्लाह। और मेरी भी स्किन, मौसम चेंज हो रहा है तो स्किन मेरी भी ड्राई हो रही है, कोई मॉइस्चराइजर बता दें क्या करें स्किन को? ओके, ये भी बता देती हूँ मैं आपको। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा कॉल करने के लिए, स्क्रीन के सामने आ जाए ताकि आपा बताए। अच्छा आपा, जब हमने इसको रख दिया तो इसको यूज कैसे करना है? हाँ, खाना कैसे? रखने से वजन कम नहीं होगा। हाँ, वही खाना कैसे? जैसे मेरी अम्मी ने हर चीज उठा के रख देती है, इतना रखा है फायदा कुछ नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं होगा, इसको खाना भी पड़ेगा। अच्छा, उसका तरीका यह है कि जैसे आपने खाना खाया, जिनका वेट ज्यादा है, दानिश भाई जैसे, अब तुम कहते हो, मैं तो नहीं लगता। अच्छा आपा, आप ये देखें, आप दानिश भाई का साथ ले रही हैं। दानिश हमारा बहुत पुराना बच्चा है। हाँ, अब ये आपा जो है दानिश भाई का साथ ले रही है, अदरवाइज दानिश भाई को इस वक्त वेट लूज करने की जरूरत है। शुरू से है ना, देखा बचपन से चबी, देखा आप लोग, घर का एक बच्चा होता है छोटा सा गोल मटोल सा, तो वो बचपन से तो हम उसको ऐसे ही देखता आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, क्या करें। अच्छा अच्छा, खैर इसको जो है, आपने जिनका वेट ज्यादा है और जिनका यह वेट जल्दी बढ़ जाता है, उनके लिए तो यह है कि हर खाने के बाद तकरीबन एक बड़ी चुटकी से भरी हुई चुटकी जो होती है चबा के खा लेनी है, लाजमी खानी है, और इसको खा के पानी जो है गर्म पीना है या कहवा पीना है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये तो उनके लिए जिनका वेट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है या जो बहुत जल्दी इनका वेट बढ़ जाता है, जो जिनको होता है कि जी हम अभी कुछ खाएंगे और हमारा वेट बढ़ जाएगा, सर्दियों में हमारा वेट बढ़ जाएगा किसी खास मौके पे, तो वो सिर्फ रात को सोते वक्त आधा चमच गर्म पानी के साथ खा लें। ओके, ठीक है, मतलब जो पहले से ही अपने आप को महफूज करना चाहते हैं वेट बढ़ने से। और अगर कुछ भी नहीं करना है, जैसे बच्चे हैं, बच्चों का भी वेट ज्यादा होता है, तो आपको ये है कि सिंपल जो है दिन में दो से तीन बार एक एक चुटकी खिला दें, एक एक चुटकी, तो उससे खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा, आपकी फैट जो है वो डिपॉजिट नहीं होगा, और यूँ समझ लें कि आपका वेट जो है उसको बढ़ने से रोकेगा। क्या बात है, मतलब आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा और फैट आपका कट जाएगा। मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो आपका जो ना वेट आपका डिपॉजिट नहीं होगा, वो कंज्यूम होता रहेगा। क्या बात है। अच्छा आप बुशरा का जो सवाल था पहले, तो आप उसके बालों की ड्राइनेस के बारे में बताएं। बालों पे डैंड्रफ है, उनके देखें
मौसम चेंज होता है तो डैंड्रफ आती है, जैसे हमने कहा कि बॉडी ड्राई होती है और हमारा ये होता है कि हमारा जहर सी बात है मूवमेंट कम होती है, बॉडी का जो वो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है। ग्रीन ऑयल आपका था जो आपके ब्रांड का था, वो किस चीज़ का था? ऑयल भी लगा सकते हैं, ग्रीन ऑयल आप बिल्कुल लगाइए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने जो है रोज़ाना स्कैल्प का मसाज करना है, सिंपल टिप्स के साथ, आप अपने फिंगर टिप के साथ आपने स्कैल्प का मसाज करना है, उसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल आपने मसाज करना टिप के साथ, आपके नेल उसमें नहीं लगने चाहिए, ये आपने करना है तकरीबन 5 से 7 मिनट, इतनी देर मसाज करते हैं कि फिंगर टिप जो है चिकनी हो जाती है। ओके, ये खुद ही नेचुरली आपका नेचुरली जो ऑयल है आपका स्कैल्प प्रोड्यूस करेगा तो वो आपकी चिकनाई की वजह से आपका डैंड्रफ जो है खत्म होगा। दूसरा आपकी सर्कुलेशन, जब पुअर सर्कुलेशन होती है तो आपके डैंड्रफ बनना शुरू हो जाते हैं, एक चीज ये हो गई। दूसरा ये जो है योगा की एक्सरसाइज, ये आपने रेगुलर रोज आना 10 मिनट करनी है, 10 मिनट कर ले बहुत है, नेल टू नेल दोनों हाथों को, ये जो है आपकी बफिंग भी हो रही है नेल्स की, लेकिन ये बालों की ग्रोथ के लिए और डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा है। क्या बात है यार। तीसरा जो है दही, हर घर में होता है, दही ले लीजिए, उसके अंदर सरसों का तेल थोड़ा सा मिलाइए, मेथी दाना पीस के उसके अंदर ऐड कर दीजिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आपने बालों में एज अ मास्क लगाना है, ठीक है। अगर मेथी दाना नहीं है, आपने सिंपल दही लिया है, उसके अंदर आपने काली मिर्च डाली मोटी मोटी कुटी हुई, थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है और उसको खूब जड़ों में लगा के मसाज करना है, इतनी देर मसाज करेंगे कि वो आपका फील हो, थोड़ा सा जैसे उसके दरदराहट जो आपको फील होगी, मसाज करके आधे घंटे के बाद आप शैम्पू कर लीजिए। तो आपका हफ्ते में सिर्फ 2 बार करना है, रोज़ाना नहीं करना है, हफ्ते में सिर्फ 2 बार करना है, तो इंशाल्लाह डैंड्रफ जो है बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म होती है, उसके लिए आपको कोई एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगाने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाँ बोलो जी, आप गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, अगर आप नहा रहे हैं सर्दी होती है तो देखिए थोड़ा सा पानी मिक्स होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म पानी बालों को ड्राई कर देता है, तो इसका आपने ख्याल रखना है। अच्छा आप एक बात और, बाल ड्राइनेस तो है साथ में गिरने भी लग जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ड्राइनेस तो उसके लिए क्या हो वजह? देखिए अगर आप मेथी सरसों का तेल और दही का मास्क लगा रहे हैं हफ्ते में 2 बार तो बाल बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। और दही मेथी और सरसों का तेल बिल्कुल इसका पेस्ट बना ले, पेस्ट बना, जैसे आपने 2 चमचे दही ली है उसमें 2 चमचे आपने सरसों का तेल डाला है, 1 चमचा मेथी दाना जो है पीस के डाल दिया है, आपने मिक्स किया, उसको मास्क की तरह लगाया, आधे घंटे के बाद वॉश कर लिया, हफ्ते में 2 बार। मेथी दाना साबुत ही रखना है, साबुत ही रखना है, मतलब पीस के डालेंगे, साबुत ही रखेंगे, पीस पाउडर पाउडर, ठीक है। तो इसको जो है आपने अच्छी तरह से बालों में लगा लिया, उसको आधे घंटे के बाद वॉश कर लिया तो आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। उसके अलावा ऑयलिंग लाजमी करनी चाहिए, ऑयलिंग के साथ लेके मसाज बहुत ज़रूरी है, जैसे स्कैल्प का मसाज का ये आपकी उसके लिए ना ग्रोथ के लिए, अगर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपने अपना विटामिन डी भी चेक कराना है, अपना आयरन लेवल भी चेक कराना है, इनमें से कोई डेफिशिएंसी होती है तो आपका हेयर फॉल बहुत। और आप जिस तरह से अभी आपने एक योगा की एक्सरसाइज बताई ड्राइनेस के लिए, तो स्किन अपना हेयर फॉल के लिए कोई है एक्सरसाइज इस तरह की? ये डैंड्रफ के लिए, ये डैंड्रफ के लिए, डैंड्रफ और हेयर फॉल के लिए, हेयर फॉल और डैंड्रफ के बालों के लिए, यस बालों के लिए, बालों के लिए दो ये आप करें, इसे बालों का बालों से तो कुछ लगना भी नहीं है ना, मेहनत है, टीवी देख रहे हैं, अभी आप जलाल का शो देख रहे हैं, बस आप ये करना, आप देखेंगे मुझे हर वक्त मैं ऐसे ही करता रहूंगा। खैर तो आप अब जिस तरह से दूसरा बुशरा का सवाल था कि विंटर आ रहा है, सर्दियाँ आ रही है, मौसम चेंज हो रहा है तो स्किन भी ड्राई हो रही है, बिल्कुल हो रही है, तो उसके लिए फिर क्या रेमेडी अप्लाई करें? सबसे पहले ऑयल जो है पीना शुरू करें, कोकोनट ऑयल है, हम पहले भी बता चुके हैं कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल पीना है। दूसरा ये शलजम इस सीज़न में आता है, शलजम को एक टुकड़ा काट के या उसका छिलका मोटा मोटा उतार के, जो गर्म पानी नहाने का होता है जैसे बाल्टी में डालते हैं उसमें वो एक टुकड़ा डालते हैं, उसके अंदर विटामिन ई ऑयल बहुत होता है, और उस पानी से आपने शावर लेना है, नहाना है, उसके बाद आपने ग्लिसरीन हो गई, कोकोनट मिल्क हो गया, इन दोनों का मिक्सचर कर लिया, दोनों को थोड़ा सा मिला लिया और नहाने के बाद पूरी बॉडी पे लगा लिया, कोकोनट मिल्क या कोकोनट ऑयल, ग्लिसरीन और वो अच्छा लगा के उसको एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करके आप छोड़ देंगे, टॉवल से साफ कर लेंगे ड्राइनेस के लिए। उन्होंने अभी बताया कि वजन कम करने के लिए आपने क्या करना है, फिर इस बालों में डैंड्रफ और फिर बालों का गिरने के लिए आपने क्या करना है, और दूसरा स्किन को ड्राई होने से किस तरह से बचाया जाता जा सकता है। अब चलते हैं आपसे पूछते हैं कि आगे की क्या नेक्स्ट रेमेडी है। अच्छा ग्रीन टी हमारे यहाँ बहुत पी जाती है और पीनी भी चाहिए, लोग कहते हैं कितनी पिए, 2 से 4 कप ग्रीन टी रोज़ाना पी जा सकते, उसका कोई भी मुजायका नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा ग्रीन टी के साथ जब मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियों में खाली ग्रीन टी पीते हैं लेकिन होता है कि मेथी दाने का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अच्छा गर्मियों में मेथी दाना इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया जा सकता,
एक इशू गर्मी में होता है कि आपको पसीना बहुत आता है, स्मेल हो जाती है, बेड ब्रेथ हो जाता है, तो वो मुंह से स्मेल आ रही होती है, बॉडी से स्मेल आ रही होती है, तो उसके लिए क्या है? तो ये सीज़न बहुत अच्छा है गर्मियों में इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए, सर्दी में इसकी एहतियात करनी है, सर्दी में इसके ऊपर काम कर रहे हैं बेसिकली। हाँ, मतलब थोड़े से आप कुछ 2 महीने प्रैक्टिस, मतलब इसको रूटीन बना लेंगे तो पूरा साल जो आने वाले अगला जो पूरा साल है सर्दियों के बाद जो मौसम आता है, फिर गर्मी, शदीद गर्मी आती है, ना उसमें पैरों से बू आएगी, ना बॉडी में स्मेल आएगी, उस तमाम चीज़ों के लिए। करना क्या होता है कि हमने मेथी दाने की चाय बनानी है। ठीक है, मेथी दाना अच्छा गर्मी में इसलिए कि गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी में चाय नहीं पी जा सकती, तो ये बेस्ट टाइम होता है जब वेदर चेंज हो रहा है, तो आप 2 महीने एटलीस्ट लगातार जो है मेथी दाने की चाय पीना शुरू कर दें। अच्छा, मेथी दाने की चाय का तरीकाकार क्या होता है कि हम इस्तेमाल बहुत थोड़ा सा करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, तकरीबन 1/4 चम्मच या 1/2 चम्मच इसको 2 कप पानी में डालना है, इसको पकाएंगे, जब पानी कम हो जाएगा इसमें आपने ग्रीन टी ऐड कर देनी है। अच्छा, ग्रीन टी अच्छा है इसलिए ऐड करते हैं कि थोड़ा सा आपको टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब ये जब पानी 1 कप रह जाएगा तो इसको आपने रोज़ाना पीना है, बेस्ट टाइम जो इसका सुबह नहार। अच्छा, मतलब आप इसको गरम गरम पीना है? हाँ, कहवे की तरह यस, गरम पीना है, सुबह आपने पी लिया, सुबह नहार मुँह पी लिया, या शाम के वक्त इसको पी लें। ओके, मतलब खाने के बाद वाला, मतलब असर का जो ये हमारा जो टाइम है, जो भूख का टाइम है, बिल्कुल ये 2 टाइम में से कोई 1 टाइम आपने पीना है, लगातार पीना। अच्छा, इसकी खास बात है कि ये गर्मियों में होने वाले मसाइल से, स्मेल से तो बचाएगा, लेकिन शुगर जो डायबिटीज़ है उनको बहुत हेल्पफुल है, उनकी शुगर का लेवल इंशाल्लाह लेवल, मतलब जो है काउंटर हमेशा लेवल रहेगी। दूसरा ये कि वेट को कंट्रोल करेगा। सही। जो डायबिटीज़ हैं उनके होता है कि कोई चीज़ खा रहे हैं, शुगर बढ़ गई है, कम हो गई, तो ये उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, वेट आपका कंट्रोल रहेगा। और सबसे बढ़ के जब आप 2 महीने इस्तेमाल कर लेंगे तो आने वाली जो गर्मी आए तो उसमें आपको ये तमाम चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मार्च, कराची में तो मार्च से ऑलमोस्ट शुरू हो जाता है। मार्च, अच्छा, जिनको अच्छा बॉडी का फैट होता है, कुछ स्मेल होती है, उसकी वजह से जो है ज़्यादा फैट होने की वजह से स्मेल होना शुरू होती है। बहुत सारे स्किनी मैंने भी लोग देखे जो मतलब जिनके ऊपर फैट जो है वो इतना नहीं है, मगर फिर भी उन पे से स्मेल आती है। देखिए उसकी, हाँ, ये एक बीमारी है। बीमारी उसकी 2 वजहें होती है, एक तो आपका गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज्यादा, मीट जो इस्तेमाल करते हैं उनकी बॉडी से भी स्मेल आती है, जैसे कि वो तो रेड मीट जो है, वाइट नहीं, रेड मीट। दूसरा अगर वेट का मसला, दूसरा हाइजीन का बहुत जरूरी। हाइजीन तो मैं कहता हूँ कि हाइजीन का तो मैं कल भी शो के अंदर यही बात कर रहा था कि जब हकीम शाहनज़ीर साहब आए हुए थे कि हमारे मुल्क में हेपेटाइटिस इतना पीक पर है, ठीक है, कि ये एक जो सबसे मेजर इशू है वो हाइजीन एग्जैक्टली, ठीक है। अगर हेपेटाइटिस से आपने बचना है तो आपने हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आप इवन अपने बाबर के पास जाते हैं, बाल कटाने नाई के पास जाते हैं, तो आपने वहाँ पे, अब क्योंकि इतना मॉडर्न टाइम आ गया है, अब हर चीज़ डिस्पोजेबल मिलती है, बिल्कुल, ठीक है, तो सेफ्टी के जितनी भी चीज़ें वो सब डिस्पोजेबल यूज़ करें, और अगर ऐसे सीज़र है या कोई ऐसी चीज़ है तो उसको आप सैनिटाइज करवाएं। इवन के मैं ये कहूँगा कि अब तो किट मिल जाती है, आप 3-4 हज़ार रुपये की अपनी किट लेके रखें और अपने साथ लेके जाएं, लेकर आएं, बिल्कुल ये वाली चीज़। खैर, एक कॉलर उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आदाब, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी, सानिया बात कर रही हूँ शेखुपुरा से, मुझे डॉक्टर मेरा हिल से बात करनी थी। जी सानिया, कहिए। जी सानिया जी, वो मैंने पूछना था कि मुझे ना नज़ला जुकाम बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब कोई भी मेडिसिन लूँ आराम ही नहीं आता। मतलब सर्दी में रहता है या हर वक्त रहता है? नहीं, मतलब जब छींकें कभी भी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, एलर्जी नहीं देखती, गर्मी नहीं देखती। ठीक है, और कोई इशू? जी वो बाल बहुत गिरते हैं, बम फटे बाल रहते हैं, मतलब कोई भी शैम्पू मतलब से फर्क नहीं पड़ रहा, गिरते बहुत है, बम फटे रहते हैं बाल। ओके, बम फटे। एज क्या है तुम्हारी जी? उम्र क्या है? मेरी उम्र 20 साल। 20 साल के नाम क्या बताया आपने? सानिया। ठीक है सानिया, मैं आपको भी बता देती हूँ। सानिया, इंशाल्लाह आप बम जो है ना, अब आपके सर से जो है ना वो हट जाएगा, आप ये रेमेडी ट्राई करें तो इंशाल्लाह बम नहीं फटेगा। तो
आप बताएं जरा ये हेयर फॉल, तो फिर आपने जो बताया वही चीजें होंगी। हेयर फॉल के लिए वही चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले योगा की एक्सरसाइज आपने ये जरूर करें, बट उससे भी पहले अपना जो है ना ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, आयरन लेवल, विटामिन डी जरूर चेक करवाएं, इससे कि आपको एलर्जीज भी रहती हैं, आप मेडिसिन भी बहुत खा चुकी हैं, हो सकता है उसकी वजह से भी कोई ना कोई आपको साइड इफेक्ट आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, जो हेयर ग्रोथ के लिए आपको बताया जलाल ने, कि अभी हमने अभी शो में बताया, वो तमाम चीज़ें आप ट्राई कर सकती हैं। उसके अलावा जो है आपका बम फटा हुआ जो बालों में, मतलब फ्रिजीनेस, आप फ्रिजी बाल हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, सिंपल ये करना है कि जो तेल आप लगाते हैं, नॉर्मली हम तेल लेते हैं, खूब मसाज करते हैं और नहा लेते हैं, नहीं वो कोई सा भी कोकोनट हो या सरसों का हो, तारामीरा हो, कोकोनट ना लगाएं तो अच्छा है। आप कोई सा भी जो तेल ले रही हैं उसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए, सही, ठीक है। जैसे आपने आधा तेल लिया, उसमें थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिला के खूब मिक्स किया, और वो तेल नीम गर्म करके बालों में लगाना। ओके। अच्छी तरह से बालों में नीम गर्म करके लगाएं, रात भर लगा रहे तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक घंटा बहुत है। थोड़ा सा मतलब कुनकुना जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा वार्म सा आपको फील हो, वो पूरे बालों में लगाएं। उसके बाद आपने शैम्पू करना है, शैम्पू में वही गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना है, ठंडे पानी से, इसलिए कि हम बाल जितना गर्म पानी से धोते हैं, डैंड्रफ भी होती है, हेयर फॉल भी होता है और बाल रफ भी होता है। अच्छा आपा, मैं एक सवाल मेरा है कि मैंने ये सुना है कि जो हम शैम्पू करते हैं कि एक तो हमें डेली बेसिस पे शैम्पू नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और सेकंडली मैंने ये सुना है कि जो हम शैम्पू करते हैं इसमें सल्फेट की वजह से भी बाल, जो केमिकल है उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, सल्फेट फ्री शैम्पू, सोडियम फ्री शैम्पू जो आते हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए, इजीली मिल जाते हैं, बहुत कॉमनली मिल जाते हैं। दूसरा शैम्पू जो है, आप महंगाई इतनी, शैम्पू की बॉटल को आधा कर लें। अच्छा आप, हम कभी ऑर्गेनिक शैम्पू अपना बना सकते हैं? बिल्कुल, आप अगली दफा बना लेते हैं। पक्का? पक्का, बस देख लें भाई। अब ये मैं आप लोगों के लिए, मतलब हम क्या क्या करें, हम आज चैनल जो है ना हमारा, ये क्या क्या करें आप लोगों के लिए। साबुन देखें, हमने लास्ट टाइम आप लोगों को सोप बनाना सिखाया, आई एम 100% श्योर कि वो आप लोगों ने ट्राई किया होगा और उस पे से बेहतरीन खुशबू और वो फ़ायदेमंद चीज़ होगी। तो इसी तरह से होपफुली ये शैम्पू भी जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त शैम्पू, बिल्कुल बहुत फ़ायदा होगा। उसके डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं कि कौन से बालों में कैसे लगाएं, तो वो इंशाल्लाह सब डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने जो भी चीज़ इस्तेमाल करें सबसे पहले अपने आप को समझना है। बिल्कुल, आपने डॉक्टर को दिखाना है, आपको अगर कोई विटामिन की डेफिशिएंसी है वो इस्तेमाल करनी, आपको अपने सारे लैब टेस्ट करवाने हैं, सारे टेस्ट करवा के, ताकि कोई भी चीज़ अगर कम है, कि लगाने से कुछ नहीं होता, साथ साथ इनटेक बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ें आपने करनी है। बालों के लिए एक और चीज़ बता दूँ कि पपीता आया हुआ है, बिल्कुल गला हुआ कच्चा, वो ना पका हुआ पपीता जो होता है वो ले लें, गला हुआ केला ले लें, जो बिल्कुल फल थोड़ा सा रखे रखे पुराना हो जाता है, और दही में मिला के, या उसको थोड़ा सा मक्खन में मिला के, या देसी घी में मिला के, बट दही बेस्ट है, उसको पूरे बालों में एज अ कंडीशनर लगाइए और उसके बाद शैम्पू कर लीजिए। क्या बात, तो बाल बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल आपके सिल्की, बिल्कुल सिल्की हो जाएंगे। भैया आपने सानिया रेमेडी ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आपने हमें बताना है कि वो बम गायब हुआ है या नहीं, ठीक है, और इंशाल्लाह वो बम जो है हम गायब करके छोड़ेंगे। और बिल्कुल ये नहाने के बाद जब बाल थोड़े से गीले होते हैं, तो सिर्फ अपनी जो हथेली है हल्की सी चिकनी कर लें, जैसे फ्यू ड्रॉप्स ऑयल लेके, जैतून का कोई से भी तेल, हल्की चमक आ जाए, और उसको बालों में लगा लें। बिल्कुल, और वो मतलब डैम्पिंग हेयर्स के अंदर। अच्छा, आप ये जो सल्फेट फ्री जो शैम्पूज मिलते हैं, तो इसके अलावा कोई ऐसा केमिकल होता है शैम्पूज में या सोप के अंदर जो हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए नुकसानदेह हो? देखिए केमिकल तो देखा जाए सारे नुकसान, हम लोग आदि हो गए, एक अलग बात है। SLS जो है, सोडियम लॉरेट सल्फेट जो है, जिसे बेस है जो शैम्पू की, फेस वॉश की, वही सबसे बड़ा केमिकल है जो कि नुकसानदेह। बट ये तभी मैंने आपसे कहा कि हम अभी यही कह रहे थे कि आप बॉटल शैम्पू की खाली आधी करें, उस आधी बॉटल में पानी मिला लें, वो डाइल्यूट हो जाएगा और वो शैम्पू आपको कम नुकसान पहुंचाएगा, कम नुकसान, और चलेगा भी ज्यादा, चलेगा भी ज्यादा। बिल्कुल, क्या बात की आपने। अच्छा आप, दूसरा मेरे सवाल, जिस तरह से अब ये जो चेहरे के ऊपर और बालों के लिए ड्राइनेस के लिए, इसके लिए भी PRP होती है, यस, ठीक है, ये भी करानी चाहिए? देखिए PRP दुनिया का कह लें सेफेस्ट जो है प्रोसीजर है, एडवांस प्रोसीजर है, सेफेस्ट, एडवांस तो बहुत आ चुके हैं, सेफेस्ट इसलिए कि आपका ही ब्लड होता है, उसका ही प्लाज्मा लगा रहे होते हैं, कोई फॉरेन किसी का खून, किसी की कोई चीज नहीं लगाई जाती, आपका ब्लड निकाला जाता है। ये क्या आप क्या समझते हैं कि PRP जो हम बालों के लिए या स्किन के लिए जब हम कराते हैं, तो ये जो हम मेडिकेशन जो इस्तेमाल करते हैं या हम जो क्रीम एंड ऑल सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, कि ये उसके पैसों के मुकाबले में ये कितना पॉकेट फ्रेंडली है?
मतलब पीआरपी पीआरपी देखिए पीआरपी जहर सी बात है वंस अ मंथ करवाई जाती है और पीआरपी के साथ अब एक्सोसोम भी आ गया है, एक्सोसोम थेरेपी भी आ गई, बहुत मोस्ट इसको कहेंगे एडवांस थेरेपी। और अगर महीने में एक दफ़ा अपने ऊपर आप अच्छी तरह से खर्च कर लेते, मुनासिब बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है, 15-16 के हज़ार के अंदर हो जाती है। लेकिन मसला है कि ये आप अगर बालों में कर रहे हैं तो आपकी रूट्स को स्ट्रेंथन कर रहा है, आपकी ग्रोथ अच्छा कर रहा है, आपके बालों के अंदर जान आ रही है, आपके स्किन के लिए है, तो वो एक पीआरपी जो है बहुत सारे मसाइल को लेके चलती है हल करने के लिए। मतलब इसमें आप मेरे ख्याल से अगर 15,000 रुपये देखा जाए तो इंसान जिंदगी भर कमाता है, ठीक है, और अगर आप ये सोचें कि 15,000 रुपये एक साथ जा रहे हैं तो ये तो फिर मैं ये समझूंगा कि बेवकूफ़ी होगी कि आप 1,000-2,000 रुपये करके पूरे महीने लगाते रहे। तो उससे बेहतर है कि 15,000 रुपये एक दफ़ा लगाकर आप एक अच्छा रिजल्ट पाएं और अपने आप को देखें जब, तो आपको एक अच्छा एहसास हो और एक अच्छी फीलिंग्स आए कि यार मैं मतलब ठीक हूँ। और जो ये आपने कहा कि टेस्ट करवाएं आप और ये सारी चीज़ें, तो मैं हर बंदे को, हर शख्स को हर 6 महीने बाद अपने ब्लड टेस्ट और ये सारी चीज़ें करवानी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू वेरी मच आपा, बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम का पता नहीं चला आपके साथ, और आज फिर लर्निंग थी मेरी बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो मैं सीखा और आपसे, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से सीखता रहूँ आपसे। आज का तड़का, आज जो है ना हम कुकिंग, मतलब हमने ना बहुत लिमिटेड चीज़ें रखी हैं, और यूजली इससे पहले जितनी दफ़ा भी हमने खाने बनाए, ठीक है, मैंने आपको पाकिस्तानी खाने बहुत तरह के हमने, और मेरी बहनों ने और माओं ने मुझे हमेशा अप्रिशिएट किया है कि आपने बहुत, आप ऐसे खाने बनाते हैं जो घरों में हमारे मौजूद होते हैं, इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हुए और चीज़ों को आप यूज़ करते हैं। तो आज भी मैं थोड़ा सा बस अपने काम की तरफ, जो मैं रेस्टोरेंट के अंदर और जो हमने अपनी ज़िंदगी के 22-23 साल जिस इंडस्ट्री में सर्व किए और जहाँ पर हमने काम किया, एज डिशवॉशर हमने अपना करियर स्टार्ट किया बर्तन धोने से, और फिर उसके बाद सीखते सीखते आज हम माशाल्लाह से अपनी एक कंसल्टेशन फर्म है 7 शेफ़्स के नाम से, रेस्टोरेंट्स को बनाता हूँ, रेस्टोरेंट्स का मेन्यू बनाते हैं हम, रेस्टोरेंट खुलवाते हैं, फिर हमारा जो मल्टीपल ब्रांड्स हैं, नौकरियाँ हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, जिनमें से मेरे उस्ताद कहें, गुरु कहें, भाई कहें, साहिल नियाज़ी खान, ठीक है जी, जो हाउडी TLT रेयर इसके ओनर हैं, तो मैं इनके साथ होता हूं, और इसके अलावा बहुत सारे और मल्टीपल ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूं, जिसमें से एक जार्डन है, समी भाई हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड है, ठीक है। तो इन सब का मेन्यू बनाना और पूरा दिन इनके साथ रहना, और ये वाले काम मेरे ज़्यादा होते हैं बजाय इसके कि मैं पाकिस्तानी कुजीन की तरफ ज़्यादा जाऊँ, ये पाकिस्तानी खाने सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए होते हैं। अच्छा, आज यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स हैं अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे, अच्छा आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि ऑयल के बारे में, कि हर्ब्स ऑयल जो है आप किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है, चाहे आप चिली ऑयल बनाना चाहें, हर्ब ऑयल बनाना चाहें, लेमन ऑयल बनाना चाहें, या कोई भी ऑयल बनाना चाहें, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक एक हर्ब का ऑयल बनाना चाहें, ठीक है, आप ऑयल बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ये मेरे कैमरामैन भाई जो हैं ये दिखाएं, तो अगर ये लेमन ऑयल है, ठीक है, लेमन ऑयल ये जो है ऑयल, ये येलो कलर का ये लेमन ऑयल है, ठीक है, ये लेमन ऑयल किस तरह से बनता है, बेसिकली जितने भी ऑयल बनते हैं, ठीक है, गर्म तेल को मतलब तेल को ना फुल जोश दे के गर्म करके आप उस हर्ब में उस स्पाइस के अंदर ऐड कर देते हैं, तो वो उसका कलर ले लेता है और उसके फ्लेवर जो है वो ऑयल में इन्फ्यूज़ हो जाते हैं, फिर उसी ऑयल के अंदर उस हर्ब को या स्पाइस को रेस्ट देकर इतना टाइम छोड़ा जाता है कि वो सारे स्पाइस और हर्ब जो है वो बेस में बैठ जाते हैं, और फिर उसके बाद उसको पार्शिमम पेपर हो या मलमल का मुस्लिम क्लॉथ हो या पेपर नैपकिन हो या XYZ किसी भी चीज़ से बारीक छन्नी से आप उसको छान लेते हैं ताकि प्योर ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए, ठीक है जी। तो इस तरह से आप ऑयल बना लेते हैं, फिर डिहाइड्रेटेड पाउडर्स बनते हैं, ठीक है, हर्ब्स के। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे ये पाउडर है, ठीक है, ये हर्ब पाउडर है, ठीक है, तो इसके अंदर आप कोई भी हर्ब, ठीक है जी, जिसमें आप ओरिजिनल फ्लेवर ऑफ
हर्ब्स चाहते हैं तो वो पाउडर फॉर्म में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो टैरागोन हो, चाहे वो पार्सले हो, चाहे वो रोज़मेरी हो, चाहे वो बेजल हो, नियाज़बू तुखमलंगा के पत्ते जो होते हैं वो हैं, सेज है, मार्जरम है, थाइम है, तो बहुत सारे हर्ब्स हैं जिनके आप पाउडर्स बना सकते हैं। इवन क्या हमारे पास जो फ्रेश कोरिएंडर है, फ्रेश मिंट है, ठीक है, इनको डिहाइड्रेट करके आप इनके भी पाउडर्स बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये पाउडर्स बन गए। फिर इसके बाद वेजिटेबल्स के पाउडर्स बनते हैं, चाहे वो कैरेट हो, टमेटोज हो, बीटरूट हो, टर्निप हो, एक्स वाई जी कोई भी वेजिटेबल हो, आप उसको क्या करते हैं, आप उनको भी डिहाइड्रेटर के अंदर डिहाइड्रेट करके आप उनको पापड़ की तरह क्रिस्प करते हैं और उसके बाद उनको पाउडर जो हमारी स्पाइस ग्राइंडर मशीन है उसमें पाउडर फॉर्म में ले आते हैं, तो हमारे पास वेजिटेबल पाउडर्स भी बन जाते हैं। फिर एक रेसिपी है जो ये आपके सामने है, अब मैं कैमरा ये रहा, ठीक है, ये है बालसमिक रिडक्शन, ठीक है, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होती है जैसे हनी, ठीक है जी। तो ये बनता है बेसिकली बालसमिक विनेगर और शुगर के साथ, तो अब ये भी बेसिकली फ्लेवर्स और स्वीट एंड सार एक किसी भी रेसिपी के अंदर एसिडिटी को पैदा करना, ठीक है, या और उसके साथ इसके प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करना, तो ये चीज़ें हैं जो हमारी प्रेजेंटेशन प्लस फ्लेवर्स को चार चांद लगाती हैं। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे प्रॉन्स हैं, ठीक है, रेड स्नैपर फिश है और ये ट्यूली है। अच्छा, ट्यूली इक्वली फ्लावर इक्वली ऑयल एंड वाटर और उसके अंदर लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ फ्लावर और उसके बाद तो आप उसका बैटर बना लेते हैं और पैन के अंदर इसका ट्यूली बना लेते हैं। ये यहाँ पर हमने अलग अलग कलर में आप प्रेजेंटेशन में ट्यूली बना सकते हैं, चाहे वो आपका रेड कलर हो, ग्रीन हो, येलो हो, ब्राउन हो, ब्लैक हो, जिस कलर में आप ट्यूली बनाना चाहते हैं उस कलर में ट्यूली बना सकते हैं। तो आपने हमने ये ट्यूली बना के रखी हुई, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है फिर इसके बाद मैरिनेशन की। मैरिनेशन के अंदर जो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे क्यूमन है, सीड्स, ठीक है, फिर उसके बाद रेड क्रश चिली है, ब्लैक पेपर है, नमक है और थोड़ा सा लेमन जूस। दानिश भाई से पूछ लेंगे लेमन जूस के बारे में। तो लेमन जूस हम इस्तेमाल करेंगे और हम यहाँ पे मीट को मैरिनेट करेंगे। फिर इसके बाद बटर है हमारे पास और गार्लिक है, ठीक है। अब हम मेरे ख्याल से जो चीज़ें मैंने अभी बताई आपको ये सारी चीज़ें आपके घर में 99.9% मौजूद होंगी, सिवाय एक बालसमिक विनेगर के हर चीज़ आपके घर पे मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, प्रोटीन के अंदर जिस तरह से अभी हमने मैंने सी फूड का नाम लिया है, ठीक है, रेड स्नैपर और प्रॉन्स का, आप चाहें तो फिश इस्तेमाल करें, आप चाहें तो प्रॉन इस्तेमाल करें या फिश, या फिर आप चिकन का इस्तेमाल करें या आप कोई भी मीट इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसका साइंस बैक पे साइंस क्या है, ठीक है जी। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मैं अगर ये पेपर की बैक अगर क्लियर है तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली ये कैमरा मेरे साथ चलेगा अब, ठीक है, तो यहाँ पर अब हम ये पेपर मैं उठा लेता हूँ, ठीक है, और ये बैक है, ठीक है। अब हम प्लान करते हैं, हमारे पास फिश है, मैश है और थोड़ी सी सॉर्टेड वेजिटेबल हम देख लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये प्लेट है, ठीक है, हम किस तरह से, हम शेफ्स किस तरह से काम करते हैं, कैमरा इधर लिया है तो ये टॉप आपको शॉट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने किया क्या, अब मैं आपके साथ खाली गाइडलाइन, जो भी लोग इस वक्त देख रहे हैं कलिनरी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि शेफ़ किस तरह से काम करते हैं। तो हमने अगर ये प्लेट ले ली, ठीक है, प्लेट के ऊपर अगर मैं प्लान करता हूँ कि लेट सपोज़ कि मैंने ये मैश पोटैटो लगाया और इसके ऊपर हमने ये फ़िश लगा दी, ठीक है, फ़िश के साथ इस जगह पर हमने थोड़ी सी सॉर्टेड वेजिटेबल ऐड कर दी और इसके ऊपर हमने, ठीक है, चार प्रॉन्स खड़े कर दिए, ठीक है, प्रॉन्स खड़े कर दिए और इसके ऊपर हमने बटर सॉस डाल लिया, ठीक है। अब आप ये फिश आ गई हमारी, ये इधर मैश पोटैटोज़ आ गए, ठीक है, और ये हमारे पास सॉर्टेड वेजिटेबल की कटिंग आ गई सारी और ये हमने इसके ऊपर सॉस की पोरिंग कर दी और इसके ऊपर हमारी ट्यूली और गार्निश आ गई, ठीक है। ये अब इसी तरह से यहाँ पे रहेगा और अब हम खाने की तरफ चलेंगे, ठीक है जी। अब गार्लिक को फर्स्ट हमने क्रश कर लिया,
ठीक है। क्रश करने के बाद इसको हम फाइन चॉप कर लेंगे, ठीक है। तो व्यूअर्स, मैं आप सबको बताता चलूं कि आपने हमारा शो आज का तड़का, इसकी रेसिपीज़ जब भी ट्राई करनी है आपने, और ट्राई करने के बाद आपने हमें फ़ीडबैक ज़रूर देना है, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, इवन आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। हमारे लिंक्स हैं जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से गार्लिक को क्रश करके इसके पत्ते जो हैं, सॉरी छिलका जो है, हमने वो उतार दिया। उतारने के बाद अब यहाँ पर आपने, ठीक है, गार्लिक को, ठीक है जी, ये फाइन चॉप करना है, ठीक है जी। फाइन चॉपिंग गार्लिक की वंस हो जाती है, फिर इसके बाद यही गार्लिक हम सॉस में भी यूज़ करेंगे, और साथ में फिश पे भी यूज़ करेंगे मैरिनेशन के अंदर, ठीक है जी। ये हो गया डन, परफेक्ट। इस तरह से, और अब हमने फिश ले ली रेड स्नैपर, ठीक है। रेड स्नैपर लेकर इसमें से आपने एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो निकाल लिया, ठीक है। यू गेट डन, ठीक है। और अब हमने इसमें चॉप गार्लिक, ठीक है जी। अच्छा, इसमें प्योर फ्लेवर्स आपने फिश के ना, आपको फ्लेवर्स पूरे आने चाहिए जो आप मतलब खाना चाहते हैं, ठीक है जी। तो इसके अंदर हल्की सी हमने अपना जायका, जो हमारा घर का होता है, उसमें हमने वो क्रश चिली ऐड की, ठीक है। थोड़ा सा पाकिस्तानी जायका, थोड़ा सा इसमें बिल्कुल क्यूमिन क्रश ऐड किया, ठीक है। और उसके बाद हमने इसमें हल्की सी काली मिर्च ऐड कर दी, ठीक है जी। काली मिर्च ऐड करने के बाद फिर नमक हसबे जायका, ठीक है, और ये हो गया डन। अब इसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिया कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर अब आप ये देखें कि मैंने ये हमारे नॉर्मल कोरिएंडर के पत्ते हैं जो मैंने फ्राई करके एक तरफ रख दिए, ठीक है जी। और ये आ गया इस तरफ, ठीक है, और ये इधर, और ये दो पत्ते मैंने करी लीव्स के जो है ना फ्राई करके एक तरफ कर दिए। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन की चीज़ें रेडी हो गई। पैन हमारे पास गर्म होता है, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर हमने ये फिश का पीस, अच्छा एक काम कर सकते हैं हम इसको, ठीक है, फिश को हम पोर्शन बड़ा हो अगर तो आप इसको कट इन टू कर दें, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आपने इसको पकने के लिए रख दिया, ठीक है। और इसके साथ जो झींगे हैं हमारे पास, प्रॉन्स जो हैं, उनको भी हमने इधर पकने के लिए इस तरह से शामिल कर दिया, ठीक है। ये हो गया डन परफेक्टली, ठीक है। और ये जो गार्लिक और ऑयल था इसका, ये हमने इसमें निकाल दिया, ठीक है जी। तो अब इंग्रेडिएंट्स, जो वेजिटेबल हमारे पास अभी रहती है, तो मीट हमने इस तरह से कुक करने के लिए पैन में ऐड कर दिया। अच्छा, प्रॉन जो है हमेशा याद रखिएगा, इतना ही पकाएं कि ये जूसी रहें, बजाय इसके कि आप प्रॉन्स को इतना पका लें कि प्रॉन जो हैं वो आपके टफ़ हो जाएं, चू हो जाएं, ठीक है जी। तो मेक श्योर कि झींगे आपके अच्छे से पके हुए हों और टेंडर एंड जूसी रहें, ठीक है। तो ये आपने
यहाँ पे इस तरह से डन कर दिया। अब इसके बाद पहले आप इसमें हाफ बटर ऐड करें, ठीक है, और थोड़ा सा इसमें आप ऑयल ऐड कर देंगे, ठीक है जी, ये हो गया डन। अब ये झींगे जो हैं मैं इस तरह से खड़े कर देता हूँ ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से कुक हो जाए, ठीक है। अब फिश हमारी एक साइड से तकरीबन कुक हो चुके, तो साइड चेंज, ठीक है, ये हो गया डन। अब झींगे मेरे पास पक गए, ठीक है जी, तो अब मैं झींगों को निकाल के साइड पे रख देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं इनको प्रेजेंट कर सकूँ, ठीक है जी, ये हो गया डन। अब इसमें आपने फिश में हल्का सा क्यूमिन ऐड किया, ठीक है, और क्रश चिली हल्की सी ऐड की, ठीक है, ये हो गया डन। और इसके बाद स्पून लेकर, ठीक है, आपने जो बटर है वो फिश के ऊपर आप कोट करते रहें ताकि फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छी तरह से फिश में आ जाएं, ठीक है जी, ये हो गया डन, परफेक्ट। तो अब हमने क्या करना है, लास्ट जब फिश हमारी कुक्ड हो जाएगी तो दूसरी तरफ हमने पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, ठीक है जी। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसमें गार्लिक शामिल कर दिया, ठीक है, गार्लिक शामिल करने के बाद आप इसको पकने के लिए रखेंगे ताकि इसके अंदर हम वेजिटेबल जो हमारी हैं वो हम सौते कर लें, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें इस तरह से आपने ये डन कर दिया जी, ठीक है। अब वंस ये जब डन होता है तो रिमेनिंग बटर, ठीक है, आपने इसमें ऐड किया, और फिर इसके बाद पिंच सॉल्ट, क्योंकि क्यूमिन एंड क्रश चिली हमने इसमें ऐड किया हुआ है, तो आपने ये हल्का सा नमक इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। मेक श्योर कि फिश आपने जूसी एंड टेंडर रखनी है, अदरवाइज होगा क्या कि फिश जो है आपकी वो सख्त हो जाएगी, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि फिश आपकी सख्त ना हो, ठीक है। तो आपने ये बटर के साथ फिश को आप ग्लेज करते रहेंगे, वंस ये डन होता है। अब हमने ये ले लेते हैं, ठीक है जी, और इसके बाद यहाँ से हम इसकी साइड चेंज करते हैं, ठीक है, और ये हमने इसकी साइड चेंज कर ली, ठीक है, ताकि गार्लिक को खूबसूरत कलर आ जाए, ठीक है, और सॉस हमारे पास इसी के अंदर रेडी हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये पैन हमारा जैसे ही गर्म होता है हमने इसमें वेजिटेबल डन करनी है। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो मेरे पास तकरीबन चीज़ें रेडी हैं, मैश पोटैटो मेरे पास रेडी है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये मैं सर्फ रखता हूँ, ये प्लेट हम लेकर आते हैं, और ठीक है, ये एक कटोरी मैंने ले ली, बिकॉज के अब यहाँ पर ये देखें परफेक्ट कलर जो है वो फिश को आ चुका है, तो इट्स मीन कि आपकी फिश जो है वो रेडी हो चुकी है, ठीक है। इसको एक तरफ रखते हैं। अब हमने क्या करना है, हल्का सा बिल्कुल माइनर सी क्वांटिटी जो है ऑयल की पैन में शामिल करके हमने इसको ग्रीस कर लिया, ठीक है जी। ग्रीस करने के बाद एक स्पून और मैश पोटैटोस और ये आ गया डन,
मैश पोटैटो डन करने के बाद अब आपने इसको यहाँ पे डिश आउट कर दिया, ठीक है जी। जिस तरह से हमने प्लेट के ऊपर डिज़ाइन पे सोचा था। वंस गार्लिक ब्राउन होता है, इसके अंदर आपने वेजिटेबल्स ऐड की, ठीक है, और वेजिटेबल्स को आपने हल्का सा कुक किया और इसमें आपने बिल्कुल लाइट सा जो है ना पानी ऐड कर दिया ताकि गार्लिक के जो फ्लेवर्स हैं वो वेजिटेबल्स में इन्फ्यूज़ हो जाए। पिंच सॉल्ट इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ठीक है जी, और हल्का सा पेपर ऐड करके इसमें हम इसको फाइनल कर देंगे, ठीक है, ये हो गया डन। वंस ये डन होता है फिर इसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पर वेजिटेबल को, ठीक है, ये कॉलीफ्लावर हो या आपके पास ब्रोकली हो, जो भी वेजिटेबल आप यूज़ करना चाहते हैं आप वो वेजिटेबल इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी, ये हो गया डन। अब हमने ये फिश का पीस उठाया, ठीक है जी, और ये हमने पोटैटो के ऊपर इस तरह से प्रेजेंट कर दिया, ठीक है, और अब फाइनल जो ये सॉस है, ठीक है, ये भी इसके ऊपर पोर होना है, ठीक है। अब इसमें आपने लेमन जूस ऐड कर दिया, थोड़ा सा इसको आपने कुक किया तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया डन, ठीक है। अब इसके बाद आपने ये फिश के ऊपर सॉस जो है पोर किया और उसके बाद आपने इसको इस तरह से फैला दिया, ठीक है। अब बारी है लेमन ऑयल की, ये लेमन ऑयल आ गया और इसके बाद ये यहाँ पर आपने बाल्समिक रिडक्शन जो है इस तरह से इसके ऊपर कोट कर दिया, ठीक है, और ये रेड ट्यूली इसके ऊपर आ गई आपकी, ठीक है, और उसके बाद अब ये फ्रेश जो कोरिएंडर थी हमारे पास, ठीक है, ये हमने ट्यूली के साथ प्रेजेंट कर दी फिश के ऊपर, ठीक है, और ये हमने करी पत्ता जो है इस तरह से रख दिया। और अब ये बारी है प्रॉन्स की, ठीक है जी, तो आपने प्रॉन जो है इस तरह से वह क्लिप कर दिया, ठीक है, और ये चेक करें अब आप हमारी आज की बड़ी ज़बरदस्त सी जो रेसिपी थी वो तैयार हो चुकी है, ठीक है जी। अब इसमें लास्ट मुझे स्ट्रेनर अगर मिल जाए तो ये आ गया, ठीक है। अब इसमें आपने यहाँ पर पाउडर ऐड किया, ठीक है, हर्ब पाउडर है ये, और हर्ब पाउडर जो है आपने प्लेट के एच पे ठीक है इस तरह से आपने ये डन कर दिया, ठीक है जी, और ये ज़बरदस्त सी फिश एंड प्रॉन आपकी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो व्यूअर्स, ये बेसिकली कलर्स होते हैं, एक प्लेट वाइट कैनवस है जिसके अंदर आपको तमाम कलर्स मिलेंगे, एक आर्टिस्ट जिस तरह से काम करता है, ठीक है, तो वो कलर्स बेसिकली आपने मर्ज करने होते हैं, ऐड करने होते हैं, ठीक है जी। तो अगेन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से ले कर चलते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने बेहतरीन फ्लेवर्स जो हैं इसमें ऐड कर दिए। ये जो रेसिपी थी हमारी आज की आपने देखी कि इसके अंदर आपको हर्ब्स भी नज़र आ रहे हैं, मतलब ये एक आपको अगर आप
टॉप शॉट देखें तो इसके अंदर आपको कलर्स भी नज़र आएंगे, ठीक है, और एक आर्ट वर्क नज़र आएगा बेसिकली, ठीक है। तो जिस तरह से यार मैं वो पेपर मेरा वहाँ पर है, तो मैं पेपर अगर उठा लेता तो मैं आपको दिखाता कि हमने इसको जिस तरह से प्लान किया था, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमने फिश को प्रेजेंट करना है और किस तरह से हमने चीज़ को दिखाना। अगर आप ये देखें तो हमने इसी तरह से पहले प्लान कर लिया कि हम पोटैटोज़ लगाएंगे, ठीक है, फिर फिश लगाएंगे और ये वेजिटेबल लगाएंगे। तो पोटैटोज़ लगी, फिश लगी और वेजिटेबल लगी, और ये बीच में हमने ट्यूली लगा दी इसके, ठीक है, बाकी प्रॉन्स हमने रखे और सॉस हमने ये पोर कर दिया, जो कि सॉस ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो अगेन जब आप शेफ़ का काम करते हैं या आप शेफ़ बनते हैं तो आप पहले जो है ना आपको इमेजिन करना पड़ता है कि आप क्या बनाने जा रहे हैं, तो उसको किस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे और क्या चीज़ होगी, कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, फ्लेवर्स को किस तरह से मर्ज करना है, मैरिनेशन में क्या होगा, सॉस में क्या होगा, क्लियर ब्रॉथ होगा या बटर बेस्ड होगा या ऑलिव ऑयल बेस्ड होगा या क्रीमी होगा या टमेटो बेस्ड होगा। अब जिस तरह से बात होती है मदर सॉसेस की, तो अगर मदर सॉसेस की हम बात करें तो बेशमल है वाइट सॉस, ठीक है, टमेटो सॉस है कॉनगोसे, मीट सॉस है बोलोनीज, फिर ब्राउन सॉस है आपका डेमीग्लेज, फिर पांचवा है आपका हॉलैंडेज और बर्नीज। तो अगर हम इन पांच सॉसेस की बात करें तो इन पांच सॉसेस में से हमने कोई भी एक भी सॉस इसके अंदर यूज़ नहीं की, ठीक है, हमने सिर्फ बटर बेस्ड बनाया है इसको, ठीक है, बटर बेस्ड एंड ऑयल बेस्ड। तो आप ऑलिव ऑयल बेस्ड बना लें या बटर बेस्ड बना लें, या आप इन पांच सॉस में से कोई भी सॉस ऐड ऑन कर दें। अब फिश की जगह आप चिकन अज्यूम करें तो चिकन एंड प्रॉन हो सकता है, अगर बीफ एंड प्रॉन आप करते हैं तो बीफ स्टेक एंड प्रॉन, तो फिर वो आपका सर्फ एंड टर्फ कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसी तरह से आप बहुत सारी रेसिपीज़ जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं, फ्लेवर्स को मर्ज कर सकते हैं, साइड लाइन प्लान कर सकते हैं, तो मतलब बेहिसाब, मतलब वाह, आप डूबते जाएंगे, सीखते जाएंगे और करते जाएंगे। तो व्यूअर्स, उम्मीद ये करता हूँ कि आज की रेमेडीज़ और रेसिपीज़ हमारी आपको पसंद आई होंगी। तो मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम आपसे चाहेगी इजाज़त, बिकॉज के टाइम ख़त्म हो चुका है। जाते जाते हमेशा की तरह सेम लाइन, अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे और हमारी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।